25,000 रुपए की ये टोपी। हेलो जी, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी स्टे टू हियर इन वियतनाम। एंड आज के लिए मैंने बुक किया है निन बिन का टूर, जो कि मैंने क्लुक करके एक कंपनी है जो कि एक्टिविटीज़ और ये सब करवाते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगी। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड गाइज, बस मैंने गूगल पे सर्च किया, मुझे जो सबसे चीप लगा मैंने वो वाला टूर बुक किया है और ये मुझे कॉस्ट हुआ है कुछ 2,100 रुपये का, जिसमें कि इंक्लूडेड है मेरे होटल से पिक किया उन्होंने और उसके बाद अब हमें निन बिन लेके जा रहे हैं। निन बिन का वैसे अगर बस का भी कॉस्ट, अगर मैं बस से जाती और आती तो मुझे वो ज़्यादा पड़ जाता, क्योंकि ऑब्वियसली जाना आना ही 2,000 रुपये लग जाते हैं बस के, और उसके बाद वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के अलग, दे आर डूइंग ऑल द इंक्लूडिंग ऑल द एक्टिविटीज़ एज वेल इन दिस टूर। सो इसमें जो है हमें होटल से पिक किया, अभी हमें लेकर जाएंगे निन बिन। निन बिन में जाने के बाद वहाँ पे जो भी अट्रैक्शंस है वो हम करेंगे, लंच करेंगे, इसमें लंच भी इंक्लूडेड है, सो दैट्स अमेजिंग। और आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फॉर लाइक वेज फूड, हमने पहले ही बोल दिया था उनको, तो या दैट्स, उसमें आपको मेंशन करना होता है व्हाइल यू आर बुकिंग, तो वो सब चीज़ उस तरीके से अरेंज हो जाती है। एंड या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर निन बिन बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल। ऑल्सो मुआ केव्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जहाँ से पूरा ऐसे व्यू दिखता है हलोंग बे टाइप, इट्स को लैंड हलोंग बे ऑन द लैंड बोला जाता है। तो या अभी हम ओके एवरीबॉडी, सो हम हनोई से निकले थे सुबह 7 बजे और 7:30 बजे एक्चुअली होटल से पिकअप हुआ, और अभी जो है 9:30 बज रहे हैं और हम एक जगह पे पहुँचे जो कि निन बिन से थोड़ा सा पहले है। यहाँ पर जस्ट फॉर ब्रेक लाइक आप वॉशरूम यूज़ कर लो और कॉफ़ी चाय जो भी आपको पीना है, कुछ खाना है, देर इज़ कैफ़े इनसाइड और ऐसा एम्पोरियम जैसा है जहाँ से हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, यू कैन बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ फॉर सोवेनियर ऑल्सो लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू। या लेट्स गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। In the past of Vietnamese people, in the past of Vietnam, in the dynasty, all the way the people waiting when you come to temple for pray. When you get to inside, you got a two way. Two gate and a two side, that's small one, and that's for the local people. And for the big one at the middle, is that for the king, queen, general, like important guy. बड़ी, तो हम आ गए अपनी फर्स्ट लोकेशन पे जिसका नाम है डिंग टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये यहाँ की फर्स्ट डायनेस्टी के जो किंग थे डिंग किंग, उनके उनके लिए बनाया गया है, राइट। सो ओके, एंड कोइंसिडेंटली टुडे इज़ द डे व्हेन किंग पास्ड अवे, सो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और अंदर बहुत ही ट्रेडिशनल पूजा और ये सब चीज़ें चल रही है, लोकल्स आए हुए हैं, बहुत सारी भीड़ है और वैसे भी वीकेंड है इसलिए भी, एंड सेकेंड रीज़न इज़ दिस ऑल्सो। सो लेट्स गो इनसाइड द टेम्पल एंड टेम्पल। और डायनेस्टी के बारे में जितना कि हमें हमारा गाइड ने बताया, तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि जब वियतनाम के लिए फ़ाइट किया था और पहली डायनेस्टी जो पहली बनी थी और पहले सबसे पहले जो है यही राजधानी हुआ करती थी वियतनाम की, हुआलू, इस जगह का नाम है हुआलू और एक टेम्पल का नाम है डिंकिंग टेम्पल, और जो किंग थे वो डिंकिंग थे जिनके लिए ये टेम्पल बनाया गया है आफ्टर ही डाइड। सो या दैट्स दैट। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और मुआ केव्स की तरफ जाएंगे, जो कि मेरा वन ऑफ द लाइक आई वॉन्टेड टू गो टू दैट प्लेस, तो यहाँ से हम मुआ केव्स जाएंगे। आ गए हैं मुआ केव्स के लिए, तो यहाँ पर एंट्रेंस में जो है वो पूरा का पूरा एक लोटस पाउंड है और यहाँ पर लोटस का सीज़न तो अभी ख़त्म हो गया है, बट इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल।
स्टिल एंड फिर उसके बाद हमें क्लाइम करना है यहाँ पे कुछ 500 स्टेयर्स, जिससे कि हम ऊपर टॉप व्यू तक पहुँचेंगे. एंड देयर इज़ मुवा केव्स नीचे ही है केव्स, तो अभी चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं. हम आ गए हैं टॉप पे क्लाइम करके एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. 500 स्टेप्स इस तरफ भी है और उस तरफ भी आप जा सकते हो. देर इज़ लाइक ड्रैगन वाला लाइक आर्किटेक्चर बना हुआ है और वहाँ से भी आप पिक्चर ले सकते हो. वो थोड़ा सा ऊपर है, ये थोड़ा सा उससे नीचे है कंपैरेटिवली, बट व्यू सेम आएंगे दोनों साइड से. तो हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम इसी तरफ आ गए. अभी हमें वापस जाना है क्योंकि हमारे टूर गाइड ने हमें एक टाइम दिया हुआ है 12:30 का कि आपको तब तक नीचे मिलना है हमको. तो हम स्लोली अब डिसेंड करते हैं, चलते हैं, लेट्स गो. देखो पसीने से ऐसे हाल बुरे हो गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब पसीने टपक रहे हैं. हाँ पकड़ पकड़ के उतरना जहाँ पे भी है, अभी थोड़ी देर रख दे लाने को. ओके एवरीबॉडी, सो हम आ गए हैं मुवा केव्स के बाद. एक टॉमकॉक जो रिवर है उसका ही विलेज है निनबिन में ही. तो यहाँ हम आ गए, यहाँ पर हमने अभी लंच करना है. सामने मेरे देर इज़ अ वेरी गुड लाइक लाइन से सारे रेस्टोरेंट्स ही दिख रहे हैं और कुछ तो अनाउंसमेंट हो रही है. तो अंदर लंच करने चल रहे हैं. हमने वेजिटेरियन फूड बोला था तो लेट्स सी वेजिटेरियन फूड में क्या सर्व करने वाले हैं. क्योंकि थाईलैंड और यहाँ पर भी मैंने खाया है तो मतलब ऐसे जब इंक्लूडेड लंच होता है तो इतना अच्छा नहीं होता है, बट सरप्राइजिंगली इट वाज सो गुड. लाइक टोफू था, फ्राइड राइस था, फ्रेंच फ्राइज था, स्प्रिंग रोल, सैलड एंड फ्रूट्स एंड एवरीथिंग वाज देयर. सो या इट वाज गुड ये. और अगर आप पूछो उससे पहले बता देती हूँ कि द टूर आई बुक फ्रॉम विच कंपनी. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बट या आई फेल्ट लाइक कि अच्छा था टूर, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए. मुझे रैंडमली गूगल पे सर्च करके मिल गया था ये कंपनी का नाम, तो आई बुक्ड इट थ्रू दैट. और या इतने रुपए में तो वर्थ है, वर्थ वर्थ वर्थ. अभी हमें बोट राइड करने के लिए भी जाने वाले हैं तो बोट राइड का अलग से चार्ज नहीं है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है. तो ये लोग ही हमें 1.5 आवर की बोट राइड पर लेके जा रहे हैं. तो येस वी ऑल आर रेडी एंड पेट पूजा भी हो गई तो अच्छा लग रहा है. ओके गॉट दिस कैप सुवेनियर के तरह पे लेके जाएंगे हम, अपने घर में लगाएंगे ऐसे. 25,000 रुपए की ये टोपी. 25,000 रुपए की ये टोपी. 8,000 ये मैं देखो 400 में लाया हूँ. इसको तुम वो करो ना कन्वर्ट इंडियन रुपीज. नहीं नहीं वो सब कितना होता है पहले बताओ, पहले बताइए उसका. वो सब अपनी जगह है, बताइए तो सही पर इन्फॉर्मेशन के लिए. वो सब अपनी जगह, अरे इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए तो सही. नहीं बताएंगे. अरे बड़ी गलत बात है यार, ये तो गलत बात है यार. ये तो 80 रुपए की है इंडियन करेंसी में. 80 रुपीज. क्या बकबक कर रही है, जब मैं ऑन कर रही हूँ तब तब बोल रही है. ये मैंने पहन लिया है, अब धूप मुंह पे नहीं लगेगी डायरेक्ट क्योंकि मुझे टाइम बहुत जल्दी हो जाता है. नहीं आ रही ना मेरे धूप फेस पे. नहीं यार. ओके सो जी लंच भी कर लिया है अब हमने और अब लंच के बाद भी टॉमकॉक रिवर. और इसके लिए हमें ये आंटी जब मैं शुरू कर रही हूँ बोलना तभी बोल रहे हैं. Alright, so now I will share the boat trip for you with it to the Tomcock. And of course, like I said for you before, a few days ago, in here we got a big rain. And it's normal, we can come to visit the 3 water cape. But I checked to the information here, one cape, the last cape, is floating. It means we come to, you can, you will come through 2 water cape.
until the last one is standing outside to the gate. You can look into inside. We cannot to get inside to the last gate because also last gate is at the floating already. Disappointing is this scorching hot temperature और ये बहुत ही सूर्य देवता इतना क्यों हमें जला रहे हैं पता नहीं, बट हाँ सनस्क्रीन लगा ली है पूरे बॉडी में, ऐसे हाथ वाथ में अच्छे से, मुंह पे भी लगा लिया है, अभी इन्जॉय करते हैं. थोड़ा सा ऐसे क्लाउडी होता है और अच्छा लगता है ना, बस जब हम वहाँ गए थे ऊपर तब अच्छा लग रहा था. लिटिल बिट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, बट कोई नहीं, इट्स ओके. गाइज दिस इज़ केव 3, बट यहाँ ये भी जाना था हमें, बट ये बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है, बट पानी बहुत ज़्यादा फ्लो है क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो इस वजह से वी आर नॉट गोइंग देयर, वी आर टर्निंग बैक फ्रॉम हेयर. अब हम वापस जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ. ओके जी, सो हमने कर ली है हमारी बोट राइड ख़त्म. इट वॉज गुड, बट थोड़ा सा अगर कम सनी होता, ऐसे वेदर अच्छा होता तो और मज़ा आता, बट अच्छा था ओवरऑल. अंत भला तो सब भला टाइप्स. अभी चल के कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पीते हैं, उसके बाद फिर हमारी गाड़ी जो है, जो हम टूर में आए हुए हैं, वो फिनिश हो जाएगा यहीं पे. दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन. बाय द वे, अगर आप चाहो तो आप इस जगह पे निनबिन में रुक भी सकते हो. यहाँ पे बहुत अच्छे होम स्टेज हैं, हॉस्टल्स भी है यहाँ पे. मैंने सर्च किया था तब मैंने देखा था, लाइक देर आर सो मैनी स्टेइंग ऑप्शन हेयर. और बहुत ही ऐसे शांत और वैसी जगह है, लाइक आपको हनोई जैसे ऐसे बजलिंग सिटी में नहीं रहना है, सो यू कैन स्टे हेयर. आप यहाँ पर आके यहाँ रुक सकते हो. So tonight we came to night market. After the tour finish, we went to our hotel और वहाँ जाके थोड़ा सा rest वेस्ट किया, और उसके बाद ready होके we came to the night market of Hanoi. आज Saturday भी है and it's crazy. I mean, when I'm saying it's crazy, it is crazy like hell, because there is one festival also going on, local festival, जहाँ पर बहुत बड़ा सा बना हुआ है. अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग. आई थिंक लेट नाइट शुरू होने वाला होगा. सो वी आर जस्ट चिलिंग अराउंड एंड वॉकिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, और बिल्कुल एकदम नाइट मार्केट लगी हुई है. शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है मैंने. आई गॉट दिस फैन क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है. आज दिन में होता तो बहुत काम आता ये क्योंकि जहाँ गए हुए थे वहाँ, ओ माई गॉड, इट वॉज सो हॉट. सो ये बहुत सही चीज़ है. और दूसरी अच्छी चीज़ इसकी ये है कि वेट दिस लाइट,
सो वेन एवर आई एम शूटिंग समथिंग, ऐसे अगर मुझे सामने ऐसे लाइट चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकती हूँ लाइक ऐसे बैंड करके एंड कूल नाइस रिंग लाइट है छोटी सी और हवा भी आ रही है बहुत बढ़िया. व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर? फेस्टिवल है